इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दूसरे दिन कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के जेईसीसी सभागार में आयोजित कार्यक्रम के अंतिम दिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम में उद्योग शकुंतला रावत, राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा सहित उद्योग वाणिज्य विभाग और रीको के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की निवेश हितेशी नीतियों से राज्य में बड़े स्तर पर निवेश हो रहे हैं। कि पहले ही एमओयू साइन कर लिए, वरना इवेंट के दौरान एमओयू साइन होते हैं, इवेंट के बाद भी होने लग जाते हैं, खाली आंकड़े बताने के लिए। जैसा पिछली सरकार में हुआ था, हम लोगों ने बकायदा पहले लगभग 11 लाख करोड़ के हमने एमओयू एलओयू जारी कर दी या एग्रीमेंट कर लिए। अब मैं समझता हूँ कि अगर जो माहौल बनाया गया है और माहौल बना है, क्योंकि जो हमने कोरोना के बाद में जो स्टेप उठाए हैं उससे इन्वेस्टर बहुत प्रभावित थे। कोरोना के बाद में एमनेस्टी स्कीम लाए हम लोग, इंटरेस्ट फ्री करने की बात हो, पेनल्टी फ्री करने की बात हो, बल्कि कई जगह प्रिंसिपल अमाउंट तक फ्री किया गया। ये तमाम तरह की जो स्कीमें लाए गए एमनेस्टी के अंदर, उसका भी इम्पैक्ट रहा। फिर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल आ रहा है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 383 स्क्वायर किलोमीटर पे जो डेवलप एरिया होगा, और 383 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने जब आइडेंटिफाई किया है तो कुछ सोच के किया होगा भाई, इतने ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे, एमएसएमई कितने लगेगी, प्लास्टिक आधारित लगेगी, पॉलीमर आधारित लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि टोटलिटी के अंदर एक माहौल राजस्थान बनता जा रहा है।